बताएंगे कि क्या विराट कोहली की दाढ़ी का बीमा हो रखा है, क्योंकि लोकेश राहुल ने तो ऐसा ही एक ट्वीट किया है जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी का बीमा कराया हुआ। इसके साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को यह भी दिखाएंगे कि कैसे सौरव गांगुली लियोनेल मेसी को सपोर्ट करेंगे इस वर्ल्ड कप में, हालांकि उनकी फेवरेट टीम कुछ और है, और कैसे क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धो कर रख दिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप 2011 की और उससे जुड़े हुए खास राज की जिससे अब पर्दा उठ गया है। अगर आपने 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा और आपको याद भी होगा तो महेंद्र सिंह धोनी उस फाइनल मुकाबले में युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने आए थे। आखिर किसकी सलाह पर महेंद्र सिंह धोनी ने फैसला लिया था, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। और हमारे साथ जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जी जुड़ गए, सीधा रुख करते हैं सुशील दोषी जी का। सुशील सर क्या मानेंगे, सचिन तेंदुलकर बतौर कप्तान तो इतने हिट नहीं हुए लेकिन उनकी जो सलाह रहती है, उनकी जो सजेशन रहते हैं, एडवाइस रहते हैं, वो हमेशा टीम इंडिया के काम आए। और ये सजेशन भी जैसा कि वीरेंद्र सहवाग बता रहे हैं कि नंबर 5 पे किसको बल्लेबाजी करने जाना चाहिए, कि इनफॉर्म बल्लेबाज को बैठ कर, वो सजेशन भी सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया था। बिल्कुल अद्भुत बात है ये, क्योंकि मुझे याद है 2011 के विश्व कप के उस मैच की मैं कमेंट्री भी कर रहा था हिंदी में, और मुझे याद है कि हम सभी कमेंट्री बॉक्स में एक खामोशी छा गई थी। हमने सोचा ये क्या हो रहा है, ये अचानक धोनी कैसे आ गए, जबकि उनका टर्न अभी आने का था नहीं। सभी लोग अपेक्षा कर रहे थे कि युवराज सिंह आएंगे, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी जो आज आप बता रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने वास्तव में उन्हें सलाह दी थी। और ये बात सही है कि अपनी कप्तानी में उतनी सफलता प्राप्त कभी भी नहीं कर पाए सचिन तेंदुलकर, लेकिन उनकी सलाह, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा और खेल के प्रति उनका समर्पण और उनकी तीखी नज़र के सभी एक तरह से मुरीद हैं, और उन्होंने सही वक्त पर अपने कप्तान को सही सलाह दी। और इसीलिए मुझे याद है जब विश्व कप 2011 में भारत ने जीता, तब सभी खिलाड़ियों ने मिलकर सचिन को अपने कंधे पर उठा लिया था और पूरे स्टेडियम का उन्होंने चक्कर लगाया। अद्भुत दृश्य था वो, क्योंकि क्रिकेट का जो शहंशाह है, क्रिकेट का जिसे भगवान कहते हैं, वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में जब वो खेल रहा हो तब विश्व कप भारत जीते, और वो मुराद और वो सपना उनका पूरा हुआ। ये बहुत ही खुशी की बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, और भारतीय क्रिकेट ने जो लंबी छलांग लगाई उसके बाद, उससे कोई भी हम अनभिज्ञ नहीं है। सुशील जी आप मानेंगे कि सचिन तेंदुलकर बतौर कप्तान जैसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन उनके कई सजेशन भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर साबित हुए। जैसे कि सिलेक्शन कमेटी जब बैठी थी और उनको डिसीजन लेना था कि 2007 में कौन कप्तान हो सकता है, तो धोनी का नाम उन्होंने बैक किया। फिर जब टेस्ट कैप्टनसी की बात आई, राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी छोड़ दी थी, तो उन्होंने कहा कि अनिल कुंबले को कैप्टनसी देनी चाहिए, अनिल कुंबले को वहां पर कैप्टनसी दी गई। ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जो कि भारतीय क्रिकेट में मील का पत्थर साबित हुए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के दिल में और दिमाग में भारत बसता रहा है, और इसीलिए अगर उनको इतना बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत किसी भी तरह से विश्व क्रिकेट का सिंहासन पर जाकर बैठ जाए, क्योंकि इतनी प्रतिभा भारत में है, इतने अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर थे, और जिस तरह से सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, और उन्होंने जो आपने जैसा कहा कि सलाह दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया जाना चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कि तजुर्बे के बजाय उन्होंने ये देखने की कोशिश की भारतीय क्रिकेट का हित किस निर्णय में है, और इसी निर्णय को उन्होंने सर्वोपरि मारा। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को सुना और अपनी तकनीकी योग्यता पर भरोसा किया, और जब जब उन्होंने ऐसा किया भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा क्रांतिकारी मोड़ आया, जैसा कि हमने कई अवसरों पर देखा है। सचिन तेंदुलकर ने जब जब ऐसे बड़े निर्णय लिए, और सबसे बड़ी बात जब आप खुद इतने बड़े खिलाड़ी हो तब आपकी बात ध्यान से सुनी जाती है। यही विचार अगर कोई दूसरा मामूली खिलाड़ी देता तो शायद उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब आप बड़े खिलाड़ी हो, दुनिया भर आपकी इज्जत करती है, तो आपके इस सलाह को हर व्यक्ति मानता है, और चयन समिति में इसीलिए सचिन तेंदुलकर की बात को हमेशा तवज्जो दी जाती रही, और ये इससे भारतीय क्रिकेट का जो भला हुआ ये सब हम इस बात को जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये बड़ा खुलासा वीरेंद्र सहवाग ने टॉक शो में किया कि एक्चुअली में महेंद्र सिंह धोनी जो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, युवराज सिंह की जगह वो सजेशन दिया था, वो एडवाइस दी थी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने। चलिए बात करते हैं विराट कोहली की, और विराट कोहली की दाढ़ी के बारे में आजकल कयास लगाए जा रहे हैं, और लोकेश राहुल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि शायद विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी का भी बीमा या कह सकते हैं इंश्योरेंस करवाया हुआ है। क्या कोहली ने करवाया है दाढ़ी का बीमा? क्या बीमे की वजह से ही शेव नहीं करते हैं विराट?
आखिर क्यों है कोहली को दाढ़ी से इतना प्यार? क्या दाढ़ी में ही खुद को स्टाइलिस्ट मानते हैं विराट? विराट कोहली यानी मौजूदा दौर का सबसे बड़ा बल्लेबाज। लेकिन विराट सिर्फ रन बनाने के मामले में ही हिट नहीं है, बल्कि एक स्टाइलिश स्टेटमेंट के तौर पर भी विराट का कोई जवाब नहीं है। विराट का लुक, उनकी बॉडी, उनका अंदाज मैदान के बाहर भी फैंस को उनका दीवाना बना देता है। यही वजह है कि एंडोर्समेंट की दुनिया में भी विराट बाकी क्रिकेटर्स को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। विराट ने पिछले कुछ सालों से अपने लुक्स पर भी जमकर मेहनत की है और इसी लुक में शामिल है विराट की दाढ़ी, जो विराट के परमानेंट लुक का हिस्सा है। और इसी दाढ़ी को लेकर टीम इंडिया में शामिल विराट के साथी खिलाड़ी लोकेश राहुल ने कोहली की दाढ़ी के इंश्योरेंस को लेकर चुटकी ली है। लोकेश राहुल ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में कुछ लोग कोहली के साथ नजर आ रहे हैं। कोहली सोफे पर बैठे हुए हैं और दो शख्स उनकी दाढ़ी की फोटो खींच रहे हैं। इसके अलावा कोहली को एक पेपर पर साइन करते हुए भी देखा जा सकता है। विराट का वीडियो शेयर करते हुए लोकेश राहुल ने लिखा है, विराट मैं जानता था कि तुम दाढ़ी को लेकर जुनूनी हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी के बीमा से जुड़ी खबरें मेरी ही थ्योरी को सही साबित कर रही हैं। राहुल के इस ट्वीट के बाद विराट भी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में इसका जवाब दिया है। विराट ने ट्वीट किया है, मेरी दाढ़ी के बारे में जो बात हो रही है वो काफी मजेदार है दोस्तों, ये पॉपकॉर्न खाने का वक्त है। हालांकि विराट के इस बयान से कुछ भी साफ नहीं हुआ है और उनकी दाढ़ी के बीमा को लेकर कयासों का दौर बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच खास तौर पर विराट का बेयर्ड लुक काफी पॉपुलर है। उनके दाढ़ी वाले लुक को देखकर न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि उनके साथी खिलाड़ियों ने भी उन्हें कॉपी किया और कई खिलाड़ियों ने विराट की तरह ही बेयर्ड लुक रखा हुआ है। एक वक्त में तो पूरी भारतीय टीम बेयर्ड लुक में नजर आई थी, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद ब्रेक द बियर्ड चैलेंज के चलते कुछ खिलाड़ियों ने दाढ़ी कटवा ली, लेकिन विराट ने ऐसा नहीं किया। विराट को दाढ़ी से कितना प्यार है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शादी के दौरान भी विराट बियर्ड लुक में ही नजर आए थे। हालांकि इसके बाद माना जा रहा था कि विराट क्लीन शेव कर लेंगे, लेकिन तब खबरें आई कि विराट ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा की डिमांड पर बियर्ड लुक को जारी रखने का फैसला किया है, जो अब तक बरकरार है। वैसे विराट के लिए हाल के कुछ दिन बेहद कामयाबी वाले रहे हैं। पहले तो विराट फोर्ब्स की लिस्ट में कमाई के मामले में नंबर वन क्रिकेटर बने और फिर बीसीसीआई ने लगातार दो सीजन के लिए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना है। हालांकि विराट इन दिनों नेक इंजरी से जूझ रहे हैं और वो अपनी फिटनेस को दुरुस्त करने में जी जान से लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी विराट ने अपने लुक को बरकरार रखा है और फिलहाल जिस तरह से उनकी दाढ़ी के इंश्योरेंस की खबरें आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि विराट फिलहाल दाढ़ी को कटवाने वाले नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। चलिए तो बात थी विराट कोहली के बियर्ड लुक की, बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दे दी। सिर्फ 72 रन पर रोका पहले पाकिस्तान की टीम को और उसके बाद 3 विकेट खोकर जीत भी हासिल कर ली। एकता बिष्ट ने इस मुकाबले में 3 विकेट हासिल की और वर्ल्ड कप में भी 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे। इसके अलावा 5 विकेट एशिया कप में भी लिए थे। तो भारतीय महिला टीम जो है वो पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारी पड़ी है और सुशील जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो विमेंस टीम है भारत की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान की टीम से, और जो जैसा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जरूर हारे पाकिस्तान की टीम से, लेकिन विमेंस टीम जो है वो अक्सर भारी पड़ती है पाकिस्तान की टीम पर। नहीं, ये तो एक आदत सी बन गई है, चाहे हॉकी हो या क्रिकेट हो, भारतीय टीम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, भारत से बाहर जहां भी मैच होते हैं वहां पर निश्चित रूप से भारतीय टीम ही जीतती है। और अच्छी बात है, ये आदत बन गई। जैसे आपने बताया कि विराट कोहली की दाढ़ी उनकी आदत सी बन गई है। जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं तब होता यह है कि आपकी हर चीज़ पर, आपकी हर प्रतिक्रिया पर, आपके वेशभूषा पर, आपके आचार व्यवहार पर, हर चीज़ पर लोगों की निगाहें आप पर रहती हैं। डेविड बेकहम का एक उदाहरण है, वो जिस तरह के लुक्स पर ध्यान केंद्रित करते थे और लगातार उससे उनके अनुबंधों पर असर पड़ता है, किस तरह की वेशभूषा, किस तरह का व्यवहार, किस तरह से बोलचाल, किस तरह के हाव भाव। तो ये बात ज़रूर है कि भारतीय जो महिला टीम भी है बहुत तेज़ी, उनको भी जीतने की आदत पड़ गई और वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और लगातार पाकिस्तान को भी बीट करें।